हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है स्प्रिंग समोसा। तो स्प्रिंग समोसा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून नमक और मैंगरेल लिया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है जिससे हमारा स्प्रिंग समोसा क्रंची और कुरकुरा होने वाला है। अब इसे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मैदे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। अब हमारा आटा गूंथ चुका है, इसे एक साइड रखते हैं और अब चलते हैं स्प्रिंग समोसा की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1/2 kg आलू को बॉयल कर लिया है और इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल लिया और अब इसमें हम 5 फोरन अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, मिर्च, इन सारे चीज़ों को ऐड करते हैं और अब हम इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून मसाले ऐड करते हैं। दो से 4 मिनट मसाले को भूनने के बाद हमने मैश किए हुए आलू को मिक्स करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब स्प्रिंग समोसा बनाने के लिए हम इसे इसी शेप में बेलेंगे। और फिर हमने चाकू से इसे इस तरह से कट कर लिया है और स्टफिंग को इस तरह से रख के हम स्प्रिंग करते जाएंगे। और अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करते हैं। ऑयल गरम होने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। आप लोग को हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को आगे शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, बारिश का सीज़न है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसे क्रिस्पी और क्रंची स्प्रिंग समोसे और बारिश का लुत्फ उठाइए। ब्राउन होने पर अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची स्प्रिंग समोसा बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।